अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज। नजर डालते हैं आज की न्यूज पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, यूरोप भर की तरह ऑस्ट्रिया वियना में भी नमाज ईद उल अजहा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। मुसलमानों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद उल अजहा अदा की और अपने भाइयों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देकर खुशी का इजहार किया। अपने खुतबात में उलमाए किराम का सुन्नत इब्राहिमी की अहमियत को उजागर करते हुए कहना था कि ईद उल अजहा को सिर्फ जानवरों की कुर्बानी देना ही मकसूद नहीं, बल्कि इस दिन की अहमियत को समझने की भी जरूरत है। अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए अपनी जान भी राह हक में कुर्बान करने को तैयार होना ही असल में सुन्नत इब्राहिमी है। उलमा इकराम ने गुरबा के हकूक अदा करने पर जोर देते हुए कहा कि आज के दिन अपनी कुर्बानी में गुरबा का खास ख्याल रखा जाए। कुर्बानी का गोश्त ज्यादा से ज्यादा मुस्तक अफराद में तकसीम किया जाना चाहिए। नमाज के बाद आलम इस्लाम की तरक्की और खुशहाली के लिए ढेरों दुआएं भी की गयी। मोहम्मद आमिर सदीक, नुमाइंदा खसूसी, 39 न्यूज HD, ऑस्ट्रिया वियना। अहम इशूज हो या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज़ियों और तबसों से मुस्तफीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें Facebook पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।